आरोपींनी पोलिसांवर प्राणघातक हल्ला केल्यामुळेच त्यांचा एन्काउंटर केला आहे. पोलिसांवर हल्ला केल्यामुळेच त्यांचा एन्काउंटर केलाय. पोलिसांच्या पिस्तूलनंच हल्ल्याचा प्रयत्न झालेला आहे. पोलीस आयुक्त सज्जनारांनी ही माहिती दिलेली आहे. एक महत्वाची बातमी आपण बघतोय. हैदराबाद आरोपींच्या एन्काउंटर प्रकरणी पोलिसांवरती हल्ला केल्यामुळेच एन्काउंटर करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आलेली आहे. सायबराबादचे पोलीस आयुक्त सज्जनार यांनी ह्या संदर्भात माहिती दिली. घटनास्थळावरून पीडितांचं घड्याळ आणि मोबाईलही ताब्यात घेण्यासाठी आणि इतर चौकशी करण्यासाठी चारही आरोपींना घटनास्थळी नेण्यात आलं होतं. मात्र चौकशी दरम्यान आरोपींनी पोलिसांवर दगड आणि लाठ्याकाठ्यांनी हल्ला करण्याचाही प्रयत्न केला. इतकंच नाही तर पोलिसांकडून पिस्तूलही काढून घेतलं. त्यामुळे पोलिसांना स्वसंरक्षणासाठी त्यांच्यावर गोळीबार करावा लागला. ह्या घटनेमध्ये दोन पोलीसही जखमी झाल्याची माहिती सज्जनार यांनी दिली आहे. चार तारीख को हम लोग इनका कस्टडी लिए गए. चार और पाँच उनको एग्जामिन करते हुए और इंट्रोगेशन करते हुए कैसे ऑफेंस हुआ कलेक्ट करने के बाद विक्टिम का सेलफोन डाटा बैंक और उनका वॉच को रिकवर करने का ज़रूरत था. इनके लिए हम लोग ये लोग बताए कि हम लोग जो ऑफेंस हुआ बर्न किया उसी के प्लेस में हम लोग रखे हैं. उसको हम लोग वहाँ पर हई करके दिखाने के लिए पार्टी को यहाँ पर लेके आया. हमारा पुलिस पार्टी आज सुबह यहाँ पे 5:45 को आ गए. सो आने के बाद ये लोग चारों इकट्ठा हुआ. इकट्ठा होने के बाद स्टोन से लकड़ी से और शार्प ऑब्जेक्ट से उनको हमको अटैक करने स्टार्ट किया और हमारा जो दो पुलिस ऑफिसर से भी वेपन्स खींच लिया. सो हमारा ऑफिसर्स बहुत रिस्ट्रेंट करते हुए उनको सरेंडर करने के लिए बताया बट वो लोग सरेंडर नहीं किया. हमारे ऊपर फायरिंग भी किया अटैक भी करे. सो बाद में हमारे लोग भी वो फायरिंग करना पड़ा. इन रिटेलिएशन के बाद हम बाद में चेक करें तो फायरिंग स्टॉप होने के बाद चेक करें तो चार लोग बुलेट इंजरीज के साथ मर गए थे. ये लोग दो लोगों के पास हमारा वेपन्स भी दिखे. A1 मोहम्मद के पास और A4 चिंतकुंटा से चन्नकृष्ण के पास हमारा दो वेपन्स मिले. और इस मामले में हमारा दो ऑफिसर्स भी एक SI और एक कांस्टेबल्स भी SI वेंकटेश्वर नंदीगामा पुलिस स्टेशन का और एक कांस्टेबल अरविंद गौड़ भी इंजर्ड हुआ. इन लोग दोनों को हम लोग लोकल हॉस्पिटल को चेकअप के लिए भेजे. बाद में उनका रेफरेंस के बाद हम लोग केयर हॉस्पिटल को एडमिट किए गए. इस मामले में हम लोग बाद में इस 4-5 दिन भी हम लोग बहुत इन्वेस्टिगेशन किया. साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किया इनके खिलाफ और इनका DNA प्रोफाइलिंग भी किया. विक्टिम फैमिली का भी किया. और ये लोग भी हमको कुछ शक है कि ये लोग कर्नाटका आंध्र और तेलंगाना में भी ऐसे ऑफेंस किए गए रहेंगे. बेसिकली ये वुमन बर्न बॉडीज का केसेस मिसिंग केसेस का और इसलिए हम लोग उसका भी डाटा कलेक्ट करके इनका इन्वॉल्वमेंट के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे. मैं आप लोगों का एक ही रिक्वेस्ट करूँगा विक्टिम फैमिली को और विक्टिम को प्लीज़ रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी. उनका नाम और उनका पास जाके उनको मत ये तकलीफ देने के लिए मत. आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू ट्रबल द फैमिली एंड दी नॉट टू रिवील द नेम ऑफ द विक्टिम. सर